ما لن يقضي أربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي مولاي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان عليكم شهيدا صدق الله مولانا العظيم معزز خواتین مائیں اور بہنیں انسان مل جل کر رہنے سہنے والا ہے جانوروں کی طرح ہر ایک کی سیلف لائف نہیں ہے علیحدہ زندگی نہیں ہے آنگن میں 10 بھینسیں بندھی ہوئی ہیں 2 بیل بندھے ہوئے ہیں 4 بکریاں بندھی ہوئی ہیں ان سب کی سیلف لائف ہے ہر ایک کی اپنی زندگی ایک دوسرے سے علیحدہ ہے رات بھر ہر بھینس ہر جانور اپنے کھوٹے سے بندھا رہتا ہے دوسرے سے کوئی باتیں نہیں کرتا نہ دوسرے کی غمی خوشی میں شریک ہوتا اس کے سامنے گھاس آتی ہے کھاتا ہے دودھ دیتا ہے زندگی گزارتا ہے اور وقت آتا ہے تو مر جاتا ہے میری بہنوں انسان کا یہ حال نہیں انسان مل جل کر کے سوشل لائف جینے والا ہے جب صورتحال یہ ہے
तो फिर उसके लिए अहकाम चाहिए ताकि दो या ज्यादा एक साथ जो जिंदगी गुजार रहे हैं उनका निजाम दुरुस्त रहे, उनके निजाम में कोई खराबी पैदा ना हो। माँ बाप और औलाद एक साथ रहते हैं तो इनके लिए कुछ अहकाम चाहिए जिससे माँ बाप की औलाद के साथ जिंदगी खुशगवार, उम्दा, पसंदीदा गुजरे। बॉस और नौकर एक साथ जिंदगी गुजारते हैं बस उसके लिए भी अहकाम चाहिए कि बॉस की नौकरों के साथ जिंदगी खुशगवार गुजरे। आदमी अपने रिश्तेदारों के साथ मिलजुल कर रहता है, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, चचाओं के साथ, खालाओं के साथ, फूफियों के साथ, मामुओं के साथ, और दूसरे चचाजाद हैं, मामूजाद हैं, ये सब उनके रिश्तेदार हैं। इन रिश्तेदारों के साथ मिलजुल कर रहना होता है पर ज़रूरी है कि उस सिलसिले में भी अहकाम हों ताकि इनकी जिंदगियां आपस में खुशगवार गुजरें। मेरी बहनों, इसी तरीके पर मियां बीवी एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं और ऐसे मिलजुल कर रहते हैं कि 24 घंटे का साथ है और इतना कुर्ब और एक दूसरे से नजदीकी है कि उससे ज्यादा कुर्ब और नजदीकी हो नहीं सकती। तो जरूरी है कि अल्लाह की शरीयत में कुछ अहकाम हो जिन अहकाम के पालन करने से, जिन अहकाम का फॉलो करने से मियां बीवी की घरेलू जिंदगी खुशगवार गुजरे। किसी को किसी से शिकायत न हो, किसी को किसी से शिकायत हो जाए तो अल्लाह के अहकाम की रोशनी में उसका सॉल्यूशन तलाश किया जाए, मसले को हल कर दिया जाए, ऐसे अहकाम जरूरी है। ये तमाम अहकाम मुआशरती अहकाम कहलाते हैं, रहन सहन के अहकाम कहलाते हैं। मेरी बहनों, आज की गुफ्तगू में, आज के बयान में हमें दूसरे ताल्लुकात से बहस नहीं करनी, फैमिली लाइफ, मियां बीवी की जो जिंदगी है उस जिंदगी के बारे में हमें थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है, मुख्तसर वक्त में एक मुख्तसर सी गुफ्तगू करनी है ताकि हम अपनी जिंदगियों को खुशगवार बना सकें, अपनी जिंदगियों को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ढाल सकें और हमारी जिंदगियों में तलखियां, कड़वाहट पैदा न हो, हमारी जिंदगियों में खुशगवारी पैदा हो। दूसरी बात यह समझनी चाहिए कि इक्वालिटी, मुसावात, बराबरी इस्लाम में भी है और नॉन मुस्लिम वेस्टर्न कंट्रीज उनके तसव्वुरात में भी इक्वालिटी है, बराबरी है, लेकिन गैर मुस्लिमों के जहन में जो इक्वालिटी है, जो बराबरी है, वो इस्लाम की इक्वालिटी से मुख्तलिफ है। जैसे माल में बराबरी, कम्युनिज्म भी कहता है कि सारा मुल्क माल में बराबर होना चाहिए,
किसी के पास माल ज्यादा हो, किसी के पास माल कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम्युनिज्म भी ये कहता है, इस्लाम भी इश्तराकियत का कायल है कि मालदारों के माल में गरीबों का भी हिस्सा है, मगर इस्लाम की इश्तराकियत अलग नौइयत की है। और कम्युनिज्म की जो थियरी है, जो उनका नजरिया है, वो अलग टाइप का है। इस्लाम शख्सी मिल्कियत को तस्लीम करके बराबरी करता है, और कम्युनिज्म शख्सी मिल्कियत ही तस्लीम नहीं करता। बस कम्युनिज्म जो बराबरी करेगा वो अलग टाइप की होगी, इस्लाम जो बराबरी करेगा वो अलग टाइप की होगी, क्योंकि दोनों के पीछे ये नजरिया है कि शख्सी मिल्कियत, इंडिविजुअल मिल्कियत को माना जाए या न माना जाए, इस्लाम मानता है। इसीलिए इस्लाम ने ज़कात फर्ज की। एक आदमी के पास, एक औरत के पास माल है, जबी तो उसमें ज़कात वाजिब होगी। और कम्युनिज्म शख्सी इंडिविजुअल मिल्कियत मानता ही नहीं, बस दोनों की इक्वालिटी अलग अलग टाइप की होगी। इसी तरह से मेरी बहनों, मियां बीवी में बराबरी, मर्द जन में बराबरी, औरत में और मर्द में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या हस्बैंड वाइफ न हो, मर्द और औरत में बराबरी इस्लाम के नुक्ते नजर से और है, और नन मुस्लिमों का नुक्ते नजर और है। इस्लाम का नजरिया ये है कि औरत और मर्द दोनों के हाथ बराबर नहीं है, एक का नीचे है, एक का ऊपर है। वेस्टर्न कंट्रीज का जो सोचना है वो इसको तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं दोनों हाथ बराबर हैं, न कोई हाथ ऊपर है न कोई हाथ नीचे। जब ये दोनों की सोच अलग अलग है तो वेस्टर्न कंट्रीज की जो इक्वालिटी है, बराबरी है, वो और टाइप की होगी, और इस्लाम में जो और बराबरी रखी गई है वो और टाइप की होगी। ये एक बुनियादी नुक्ता, एक बुनियादी बात है जो हम सब मुसलमानों को समझ लेनी चाहिए, खास तौर पर इस मुल्क की खवातीन को ये बात समझ लेनी चाहिए। अल्लाह ने हमें सिर्फ इंसान नहीं बनाया, बल्कि इंसान बनाने के बाद अल्लाह ने हमें मोमिन बनाया है। अल्लाह ने हमें ईमान की तौफीक दी है, अल्लाह ने हमें अपने अल्लाह पर ईमान लाने वाला बनाया है, अल्लाह ने हमें अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाला बनाया है, अल्लाह ने हमें जो दीन नाजिल फरमाया है कुरान और हदीस की शक्ल में जो हमारे पास मौजूद है, उसका मानने वाला बनाया है। बस हमारा सोचना हमारे रिलीजन के दायरे में होगा, हमारे मजहब के सर्कल में होगा, हम जिस मजहब को मानते हैं उस मजहब के दायरे में होगा। और मगरबी दुनिया के लोग या तो कोई रिलीजन मानते ही नहीं है, या मानते हैं तो उनका रिलीजन रॉन्ग हो गया है। अल्लाह के यहाँ से जैसा मजहब आया था यहूदियों का, ईसाइयों का, उस ओरिजिनल शक्ल में वो रहा ही नहीं। पर जिसका कोई मजहब ही नहीं है उसके सोचने का अंदाज अलग होगा, जिसका मजहब है मगर वो रॉन्ग मजहब है उसके सोचने का अंदाज भी अलग होगा। और हमारे पास अल्लाह के फजल से सही मजहब मौजूद है, जो मजहब अल्लाह ने नाजिल किया है जबर जेर के फर्क के बगैर, वो कुरान करीम हमारे पास मौजूद है और हम उस पर ईमान रखते हैं। बस हमारे सोचने का अंदाज अलग होगा, नन मुस्लिमों के सोचने का अंदाज अलग होगा। इस्लाम का तसव्वुर ये है के फैमिली लाइफ में मर्द और औरत के, हस्बैंड और वाइफ के दोनों हाथ इक्वल नहीं है,
बराबर नहीं है, एक हाथ ऊपर है और एक हाथ नीचे। दलील कुरान करीम की दो आयतें मैंने पढ़ी, अल्लाह पाक ने फरमाया الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض, मर्द औरतों के सरदार हैं। जाहिर है सरदार का हाथ ऊपर होगा, दूसरे का हाथ नीचे होगा। जैसे बॉस और नौकर, बॉस का हाथ ऊपर होगा, नौकरों का हाथ नीचे होगा। बॉस का इख्तियार कुछ ज्यादा होगा, नौकरों का इख्तियार उससे कुछ कम होगा। जब अल्लाह पाक जल्ला शानहु अम्मा नवालहु ने मर्दों को औरतों पर सरदार बनाया तो उनमें राइट्स में, हुकूक में तफावुत लाजमन होगा। मर्दों के कुछ हुकूक ज्यादा होंगे, औरतों के कुछ हुकूक कम होंगे। सवाल होगा वाई, अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, मर्दों को औरतों का सरदार क्यों बनाया, दोनों हाथ बराबर क्यों नहीं रखे, औरतों को मर्दों का सरदार क्यों नहीं बनाया, ये सवाल पैदा होगा। अल्लाह पाक ने उसका जवाब दिया है, ये अल्लाह की हिकमत है। तुम कौन दखल देने वाले हो, ये अल्लाह की हिकमत है, तुम इसमें दखल देने वाले कौन हो। अल्लाह ने अपनी मखलूक को जैसा चाहा ऐसा बनाया। फरमाया कि الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض, मर्दों और औरतों में से बाल को बाल पर तरजीह देने की वजह से मर्द औरतों के सरदार है। अल्लाह ताला ने वाय का जवाब हाकिमाना दिया कि मेरी मखलूक है, मर्दों को भी मैंने पैदा किया है, औरतों को भी मैंने पैदा किया है, अपनी मखलूक की हिकमतें और मसलहतें मैं बेहतर जानता हूं, मैंने बाल को बाल पर तरजीह दी है। और अब जब तरजीह दी है तो जो राजे है उसका हाथ ऊपर रहेगा, जो मर्जू है उसका हाथ नीचे रहेगा। ये इस आयत पाक का खुलासा है, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض, مرد عورتوں پر سردار ہیں, بال کو بال پر اللہ کے ترجیح دینے کی وجہ سے۔ इस आयत पाक का खुलासा ये है कि अल्लाह ने अपनी मखलूक जिस तरह से चाहा बनाई है उसमें किसी को दखल देने का हक नहीं। मसलन औरत को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि वो बच्चे जन्मती है। अब अगर कोई मर्द कहे कि अल्लाह ने ऐसा क्यों बनाया है, ये जॉब हमें क्यों नहीं सौंपा, ये फजूल बात है। अल्लाह की हिकमत है, वो जिसको चाहे जिस शान के बनाए। अल्लाह ने मर्द को दाढ़ी दी है, औरतें कहें हमें दाढ़ी अल्लाह ने क्यों नहीं दी, बेकार सवाल है। अल्लाह ने अपनी मखलूक को जैसा मुनासिब समझा ऐसा बनाया है। अल्लाह ने मर्दों को ताकतवर बनाया है, औरतों को कमजोर बनाया है। अब अगर औरतें कहें कि हमें अल्लाह ने मर्दों की तरह से ताकतवर क्यों नहीं बनाया है, ये बेकार सवाल है। अल्लाह की मखलूक है, वो जिस तरह चाहे बनाए। उन्होंने ताड़ को लंबा दरख्त बनाया और अमरूद को छोटा दरख्त बनाया और मिर्ची का पौधा जरा सा बनाया। अब मिर्ची का पौधा ये कहने लगे कि मुझे ताड़ जैसा क्यों नहीं बनाया, या ताड़ ये कहने लगे कि मुझे मिर्ची जैसा क्यों नहीं बनाया, ये फजूल सवाल है। अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने जिस मखलूक को जैसा चाह ऐसा पैदा किया। अल्लाह की हिकमत में दखल देने वाला कौन होता है। तो इसी तरीके पर अल्लाह ताला ने औरतों के जिस्म को पुरकशिश बनाया है।
उन पर नजर, औरत पर नजर पड़ती है तो फौरन निगाह उनकी तरफ खींच जाती है। मर्द का जिस्म ऐसा नहीं बनाए। अब अगर मर्द कहने लगे हैं कि हमें भी अल्लाह ताला ने औरतों जैसा क्यों नहीं बनाया, ये सब बेकार सवाल हैं। अल्लाह की हिकमत में किसी को दखल देने का कोई हक नहीं। हाँ, ये सोचने का हक है, हर एक को ये सोचने का हक है कि अल्लाह ने ऐसा किया उसमें क्या हिकमत है। बाज मरतबा हिकमत समझ में आती है और कभी हिकमत समझ में नहीं आती। एक बेवकूफ साहिब सफर करते हुए जंगल में चल रहे थे, धूप का वक्त था, एक आम के दरख्त के नीचे बैठे और दोपहर का वक्त था, पढ़ करके आराम करने लगे। करीब में तरबूज का खेत था, उसमें बड़े बड़े तरबूज लग रहे थे और आम पर कैरियां लग रही थी। अब वो पढ़े पढ़े सोच रहे हैं के नऊज बिल्ला खाकम बदहन, अल्लाह मियां भी कैसे बेवकूफ हैं कि इतने बड़े दरख्त को छोटे छोटे फल दे रखे हैं और ये बिचारी कमजोर बेल इसको 10-10 किलो का फल दे रखा। ये सब पड़े पड़े सोच ही रहे थे और ऊपर से एक आम टूटा और सर पर आकर टन देकर बजा। एकदम उठकर बैठ गए और कहने लगे, नहीं अल्लाह मियां अकलमंद है, अगर ये तरबूज आम के दरख्त पर होता तो आज मेरा किस्सा ही निमट गया था। तो कभी कभी अल्लाह के कामों की हिकमत जब सर पे बजता है तो समझ में आती है, उसके बगैर नहीं समझ में आती। लेकिन बहरहाल इंसान को ये हक है कि अल्लाह की तखलीक में गौर करे और अल्लाह की हिकमतों को समझे। वो हिकमत ये है, अगर दोनों हाथ बराबर रहेंगे, कोई एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे नहीं रहेगा तो फैमिली लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगी। आप हजरात अमेरिका में रहते हैं, दुनिया भर के किस्से सुनते हैं इन गैर मुस्लिमों की, जो फैमिली लाइफ है उसमें गौर करें आप, उनके घरों का क्या हाल है। उनका घरों की जिंदगी जहन्नम की जिंदगियां हैं। आज साथ हैं कल जुदा हैं। मामूली मामूली बातों पर लड़ाई हो जाती है, कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है कि उनके तस्वूर में दोनों हाथ बराबर हैं। जब दोनों हाथ बराबर हैं तो कोई किसी को क्यों माने। और इस्लामी जिंदगी का नक्शा उन मुल्कों में जाकर देखो जहां ये तस्वूर पाया जाता है कि एक हाथ ऊपर है एक हाथ नीचे है, ये तस्वूर जहां पाया जाता है वहां जाकर के मुसलमानों की लाइफ देखो। देवबंद में जिस महल्ले में मैं रहता हूँ वो निहायत गरीब लोगों का महल्ला है, धोबी हैं, नाई हैं, गाड़े हैं, ऐसी मामूली कौमें रहती हैं बिचारी। 500 घरों का महल्ला है। 34 साल से उस महल्ले में मैं रहता हूँ, कभी रात में कोई झगड़ा किसी घर में सुनाई नहीं देता और इस 34 साल में 2-3 तलाकें हुई। सब जो कुछ सूखा रूखा उनके पास है, रात को खा कर सब सो जाते हैं, सुबह उठकर अपने काम में लग जाते हैं। कोई नरम गरम बात शौहर कहता है बीवी सुन लेती, कभी बीवी मचल जाती है और कोई बात कहती है तो शौहर मान लेते। क्यों? जहनी तौर पर तस्वूर में दोनों हाथ इक्वल नहीं है, मर्द औरतों पर सरदार है, ये तस्वूर औरतों के जहनों में है, जिसकी वजह से फैमिली लाइफ बड़ी खुशगवार है। कभी मर्द आया काम काज पर से, दिमाग बिखरा हुआ है, उसने दो लफ्ज जोर से कह दिए, बीवी ने खामोशी से सुन ली। कभी शौहर मूड में है, औरत ने कोई नखरा कर दिया और कोई सख्त बात कह दी, मर्द ने सुन ली। लेकिन ये जो मगरबी दुनिया है, इस मगरबी दुनिया में ये बात नहीं चलती, क्योंकि इनके तस्वूर में दोनों हाथ इक्वल हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है। नहीं है तो कोई किसी की क्यों सुनेगा।
और जब नहीं सुनेगा तो रोज घर टूटेंगे। दूसरी आयत पाक में अल्लाह पाक जल्ला शानहु अम्मन वालुहु ने ये फरमाया है कि अल्लाह ने मर्दों और औरतों में से बाज को बाज पर जो फजीलत दी है उसकी तमन्ना दूसरा न करे। वला ततमन्नौ मा फज्जलल्लाहु बअदकुम अला बअद। फरमाया मर्द जो नेक काम करेंगे उसका सवाब उनको मिलेगा। लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा कसबू। औरतें जो नेक काम करेंगे उसका सवाब उनको मिलेगा। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा कसबना। फिर अल्लाह ने फरमाया कि एक दूसरे की तमन्ना मत करो। मर्द ये तमन्ना करने लगे हैं कि औरतों को जो फजीलत हासिल है वो मुझे क्यों नहीं, या औरतें ये तमन्ना करने लगे हैं कि मर्दों को जो फजीलत हासिल है वो मुझे क्यों नहीं। ऐसी तमन्ना मत करो, आरजू मत करो। वसअलुल्लाह मिन फज़लिही। हर एक को जो अल्लाह ने फजीलत दी है इसी लाइन की अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह जो आपने मुझे बरतरी खसूसियत दी है उसमें इजाफा फरमा। मर्द अपनी लाइन की दुआ करे, औरतें अपने लाइन की दुआ करें। इन्नल्लाहा काना अला कुल्ली शैइन शहीदा। अल्लाह सब कुछ देख रहे हैं। इस आयत को समझो थोड़ी एक मिसाल देकर। अल्लाह ने औरतों को एक फजीलत दी है कि वो नस्ल इंसानी के फैलने का जरिया है, यानी औलाद जन्मती है। ये एक फजीलत है जो अल्लाह ने औरतों को दी है। अगर कोई मर्द ये तमन्ना करने लगे कि मुझे अल्लाह ने ऐसा क्यों नहीं बनाया कि मैं भी बच्चे जनूं, तो ये तमन्ना फजूल है। देखो अल्लाह को ने औरतों को जो ये हाल बनाया है कि इंसानी नस्ल उनके जरिए से फैलती है, उनके जरिए से औलाद होती है, ये एक बहुत बड़ी फजीलत है ख्वातीन के लिए। आप हजरात ने एक हदीस सुनी होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत माँ के पैर के नीचे है, बाप के पैर के नीचे है ये नहीं कहा। जन्नत बाप के पैर के नीचे है ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि जन्नत माँ के पैर के नीचे है। क्यों? माँ के पैर के नीचे क्यों है? माँ के पैर के नीचे इसलिए है कि माँ के जरिए से उस बेटे को, लड़के को, लड़की को वजूद मिला है। तो जिसके जरिए से औलाद को वजूद मिला है, अगर वो औलाद अपनी माँ का हक न पहचाने तो जन्नत में कैसे जाएगा। जैसे अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह हमारे खालिक हैं, हम उसके मखलूक हैं, अगर हम अल्लाह का हक न पहचाने तो जन्नत में कैसे जाएंगे। हमारे वजूद में आने का हकीकी सबब तो अल्लाह ताला है, बस मखलूक को खालिक का हक पहचानना है। मेरी बहनों, इसी तरीके से औलाद के वजूद में आने का जाहिरी सबब माँ है, बस औलाद को माँ का हक पहचानना है। अगर वो माँ को का हक नहीं पहचानेगा, उसकी खिदमत नहीं करेगा, उसको राजी नहीं रखेगा, तो जन्नत से महरूम रहेगा। बहरहाल हदीस में यह है कि जन्नत माँ के पैरों तले है, बाप का जिक्र नहीं किया। इससे आप ये समझें कि अल्लाह ताला ने जो ये फरीजा औरतों को उड़ाया है, अल्लाह ने औरतों को जो ऐसा बनाया है कि उनके जरिए से इंसानी नस्ल बढ़ती है, ये औरतों के लिए बहुत बड़ी फजीलत है। इतनी बड़ी फजीलत है कि मर्द उसके गर्दे पाको नहीं पा सकते हैं, इतनी बड़ी औरतों के लिए फजीलत। मर्दों को भी अल्लाह ने एक फजीलत दी है, वो फजीलत ये दी है कि वो कमाएं और औरतों को खिलाएं। कमाना अल्लाह ने मर्दों के जिम्मे रखा है, औरतों के जिम्मे कमाना नहीं रखा।
औरत जब तक बेटी है बाप कमा के खिलाएगा, औरत जब वाइफ बन गई तो हस्बैंड कमा कर खिलाएगा। अगर हस्बैंड न रहा और औरत बेवा हो गई और औलाद बड़ी है तो औलाद कमा के खिलाएगी, औलाद नहीं है तो खानदान के जिम्मे औरतों का खर्चा रखा है, खानदान बेवा औरतों को कमा कर खिलाएगा। और अगर किसी औरत का खानदान भी नहीं है तो फिर हुकूमत के जिम्मे बेवा औरतों का खर्चा रखा है, हुकूमत उनको खिलाएगी। बहरहाल एक औरत के जिम्मे किसी भी मरहले में कमाना अल्लाह ने रखा ही नहीं। क्यों? ये कमाना हैवी ड्यूटी है, बहुत मुश्किल और भारी काम है। खेत में हल चलाना, बड़ी बड़ी मशीनें चलाना, बोरियां उठाना, सामान ढोना, बेशुमार मशक्कत के काम है। मर्द का जिस्म तो अल्लाह ने ताकतवर बनाया है, वो ये सब काम कर सकता है। औरत का जिस्म अल्लाह ने कमजोर और नातवा बनाया है। वो किसी ऑफिस में बैठकर कलम हाथ में लेकर घसीटे और मर्दों के लिए नजारा बनी रहे, ये तो मुमकिन है, मगर खेत में सुबह से शाम तक हल चलाए ये मुमकिन नहीं। फावड़ा लेकर सुबह से शाम तक मिट्टी खोदे ये औरत के लिए मुमकिन नहीं। बहरहाल ये जो मर्द कमा कमा कर खिलाएंगे, ये मर्दों की एक फजीलत है, मर्दों की एक फजीलत है। और मर्द कमा कर लाकर जो बीवी बच्चों को खिलाते हैं तो उनको सदके का सवाब मिलता है। एक हदीस शरीफ में है कि आप सुबहानअल्लाह कहें ये भी सबका, यानी ये भी कार्य सवाब है। आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें, आप अल्लाहु अकबर कहें, ऐसे हुजूर ने बहुत सारे काम बतलाए कि सब सदका है, एक नेक काम है। यहां तक के हुजूर ने फरमाया कि तुम लुकमा बनाकर बीवी के मुंह में रखो, ये भी सदका है। तो लुकमा बनाकर बीवी के मुंह में कब रखेगा? पहले सुबह से शाम तक दौड़ धूप करके कमा कर लाएगा तो उसका लुकमा बनाकर बीवी के मुंह में रखेगा, कमा कर लाएगा, नहीं तो कहां से लुकमा बनाकर रखेगा। मालूम हुआ कि इंसान जो मर्द जो कमाता है और कमा कर लाकर अपनी बीवी पर खर्च करता है, अपने बच्चों पर खर्च करता है, ये भी सदका है। अभी एक औरत ये तमन्ना करने लगे कि अल्लाह ने ये काम मेरे जिम्मे क्यों नहीं रखा, मैं भी कमाती और लाकर सबको खिलाती ताकि मुझे सदके का सवाब मिलता। ये मैंने दो मिसालें दी कि अल्लाह ने एक काम में मर्द को फजीलत दी, उसके जिम्मे कमाना रखा, और कमाना फजूल नहीं है, कमा कमा कर जहां जहां खर्च करेगा उस पर उसे सवाब मिलेगा। और एक काम औरत के जिम्मे रखा कि उससे इंसान की नस्ल इंसानी फैले और उसको वो इतना बड़ा नेकी का काम है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत को रख दिया। अल्लाह ने फरमाया वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बाअकुम अला बाअद, और तमन्ना मत करो, आरजू मत करो उस बात की जिसके जरिए से अल्लाह ने बाज को बाज पर फजीलत दी। मर्दों से कहा तुम ये तमन्ना मत करो कि मुझे अल्लाह ने बच्चे जनने वाला क्यों नहीं बनाया, बच्चे जनने के काबिल क्यों नहीं बनाया, ये तमन्ना मत करो। और औरतों से कहा कि तुम ये तमन्ना मत करो कि अल्लाह ने हमारे जिम्मे कमाना क्यों नहीं रखा, हम भी कमाते और खिलाते, इसकी तमन्ना मत करो। अल्लाह ने बाज को बाज पर तरजीह दी है। लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा कसबना, मर्दों के लिए बड़ा हिस्सा है उन कामों से, उन कामों में से जो वो कमाते हैं। यानी मर्दों को जो फजीलत दी है, कमाना उनके जिम्मे रखा है, उस कमाने में वो खूब दौड़ धूप करें और इस लाइन से सवाब में आगे बढ़े। औरतों के जिम्मे दूसरा काम रखा है, वो उस लाइन में बढ़े और औलाद की निगाहदाश्त, औलाद की सही तरबियत, औलाद को दीनी मिजाज बनाना, इस लाइन से सवाब हासिल करें। मर्दों के लिए बड़ा हिस्सा है उन कामों में से जो उन्होंने कमाया,
और औरतों के लिए बड़ा हिस्सा है उन कामों में से जो उन्होंने कमा। वसअलुल्लाह मिन फज़लिही, और हर एक अल्लाह से दुआ करे, मर्द दुआ करे कि खुदाया आपने मेरे जिम्मे जो कमाना मेहनत करना रखा है मुझे उसमें सक्सेसफुल बना, मुझे रिज्क हलाल अता फरमा ताकि मैं अपने मुतअल्लिकीन की निगहदाश्त कर सकूं, उनके तकाजों को नीड को हाजत को पूरा कर सकूं। औरत ये दुआ करे हमेशा कि खुदाया आपने मेरे जिम्मे जो ड्यूटी रखी है, आपने मुझे जो औलाद अता फरमाई है, मेरे मौला मेरी औलाद को नेक साले बना, मेरी औलाद को ईमानदार बना, मेरी औलाद को दीन से ताल्लुक रखने वाली बना, अब मेरी औलाद को दीन का सही इल्म अता फरमाए। औरतें इस लाइन की दुआ करें और मर्द इस लाइन की दुआ करें। واسألوا من فضله إن الله كان على كل شيء شهيدا। अल्लाह सब कुछ देख रहे हैं, इसीलिए हदीस शरीफ में फरमाया वो मर्द जो औरतों जैसा बनता है उस पर लानत है, और वो औरतें जो मर्दों जैसा बनती हैं उन पर भी लानत है। जो मर्द औरतों जैसा बनते हैं वो मलून है, जो औरतें मर्दों जैसा बनती हैं उन औरतों पर भी लानत है। हर एक को अपने सर्कल और दायरे में रहना है, मर्दों को अपने दायरे में रहना है, औरतों को अपने दायरे में रहना है। मर्दों को जो अल्लाह ने फजीलत दी है उसको उस पर कनाअत करनी है, और औरतों को जो अल्लाह ने फजीलत दी उस पर कनाअत करनी है। और अल्लाह से मांगना है तो अपनी लाइन की फजीलतों में आगे बढ़ने की दुआ करो, मर्द अपनी लाइन की फजीलत में आगे बढ़ने की दुआ करें, औरतें अपनी लाइन की फजीलत में आगे बढ़ने की दुआ करें। ये मेरी बहनों एक मजमून मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में पूरा किया, इसको आप हजरात जहन में एक तरफ कर दें। क्या मजमून पूरा किया मैंने? मजमून ये पूरा किया कि इस्लामी तसव्वुर ये है, इस्लामी तसव्वुर ये है कि मर्द और औरत दोनों के हाथ बराबर नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जैसे दोनों की बनावट में फर्क रखा है इसी तरह से घरेलू जिंदगी में फैमिली लाइफ में एक का हाथ ऊपर रखा है एक का हाथ नीचे रखा है। इससे फैमिली लाइफ खुशगवार गुजरेगी, सक्सेसफुल होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो नतीजा वो होगा जो हम इस कंट्री में रोज खबरें पढ़ते हैं किससे सुनते हैं। अब दूसरा मजमून सुनो। एक तकरीर में मैंने मर्दों को एक आयत करीमा की रोशनी में समझा दिया है कि मर्दों के जिम्मे औरतों के क्या हुकूक हैं, और उस वक्त मैंने ये भी कहा था कि इसका बरक्स यानी मर्दों के हुकूक औरतों के जिम्मे क्या हैं वो जब मैं औरतों से गुफ्तगू करूंगा तब उनको समझाऊंगा। तुम्हें समझाने से क्या फायदा, तुम्हारे समझने की बात तो एक, औरतों के हुकूक तुम पर क्या हैं वो मैंने मर्दों को एक तकरीर में समझा दिया है। और मैंने कहा था कि जब मैं औरतों से गुफ्तगू करूंगा तो औरतों को समझाऊंगा कि शोहरों के औरतों के जिम्मे क्या हुकूक है। आज इसका मौका अल्लाह ताला ने इनायत फरमाया कि बहनों से गुफ्तगू करने का मौका मिला, लिहाजा इस मजलिस में मैं ये मजमून बयान करना चाहता हूं कि अल्लाह ने मर्दों का मर्दों के औरतों पर तीन हक रखे हैं। सबसे पहला हक तो अल्लाह का है, सबसे पहला हक तो अल्लाह का है, हमारे खालिक और मालिक अल्लाह है, और अल्लाह के हुकूक के बाद ही बंदों के मखलूक के हुकूक का नंबर आता है। बस अगर कहीं टकराव हो जाए,
अल्लाह के हक में और किसी इंसान के हक में, तो अल्लाह का हक मुकद्दम होगा, इंसान का हक पसे पुश्त डाल दिया जाए, बाप और औलाद के हुकूक में टकराव हो जाए। बाप ऐसा हुक्म देता है जो शरहन हराम है, उसका फॉलो औलाद नहीं करेगी। मियां बीवी में टकराव हो जाए, शौहर ऐसा हुक्म देता है बीवी को जो शरहन जायज नहीं है, तो औरत शौहर का ये हक नहीं मानेगी। मसलन बाल मॉडर्न शौहर ऐसे होते हैं जो बीवी को हुक्म देते हैं तू पर्दा मत कर, मेरे साथ सनीमा चल। अब तो सनीमाएं सारी घर में आ गई, अब कहीं चलना नहीं पड़ता है, सारी सनीमाएं घरों में आ गई हैं। ये टीवी है, ये वीडियो है, ये रेडियो है, ये वीसीआर है, ये हाई फाई है, हाई हाई करते रहो घर में हर वक्त। या वो जमाना जिस जमाने में औरत नमाज नहीं पढ़ती, उस जमाने में शौहर बीवी से फायदा उठाना चाहता है। ये सब शौहर के वो डिमांड हैं जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हैं, शरअन जायज नहीं है। बस ऐसी सूरत में औरत के लिए जायज नहीं है कि शौहर के ऐसे अहकाम कबूल करे। शौहर नाराज हो जाए, एक मरतबा नहीं 70 मरतबा नाराज हो जाए तो हो जाए, तलाक की नौबत आ जाए, तलाक की नौबत आ जाए, अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह उससे बेहतर शौहर देंगे। लेकिन अल्लाह के अहकाम के सामने किसी भी बंदे का हुक्म मानना जायज नहीं। हदीस शरीफ में है, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी वाले काम में किसी भी मखलूक की फॉलोइंग इताअत फरमान बरदारी जायज नहीं। और ऐसी खातून जो अल्लाह के अहकाम की ताबेदारी करती है 100%, वो नेक बीबी है। बीबी शरीफ औरत को कहते हैं, दो लफ्ज हैं, एक बीबी और एक बीवी। बीवी तो वाइफ को कहते हैं और बीबी उर्दू में शरीफ औरत को कहते हैं। तो ऐसी औरत जो अल्लाह के अहकाम को सबसे मुकद्दम रखती है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किसी का कोई हुक्म कबूल नहीं करती है, ऐसी ख्वातीन ऐसी औरतें नेक बीवियां हैं। उनके जिम्मे शौहर के 3 हक हैं। पहला हक है शौहर का रिस्पेक्ट करना, शौहर की ताजीम करना। मगरिबी मुआशरा उसमें ये चीज मफकूद है। शौहर बीवी को तू तलाक से बुलाएगा, बीवी शौहर को इसी तरह से तुर्की बतुर्की जवाब देगा। किसी के दिल में किसी का रिस्पेक्ट नहीं। और मेरी बहनों ये कायदा सुनो, रिस्पेक्ट के बगैर लॉ भी कोई चीज नहीं। लॉ मोहब्बत, मोहब्बत ताबे है रिस्पेक्ट के। ये मगरिबी दुनिया लॉ लॉ करती हुई बावली हो रही है, उनका खाक भी उनके पास लॉ नहीं है। आज लॉ है रात को लड़े और सुबह तलाक हो गई, एक थैला लेकर इधर चला गया, एक थैला लेकर इधर चली गई, कहां लॉ गई? ये तो सिर्फ बनावट का एक लफ्ज है, आई लव यू एक बनावट का एक महज लफ्ज है। इस मसले को समझो, लॉ वही है जो रिस्पेक्ट के ताबे। सुनो इस मजमून को, हमें अल्लाह से मोहब्बत है, हर मोमिन को अल्लाह से मोहब्बत है। मोहब्बत है तो अल्लाह क्या की अजमत भी हमारे जहनों में, अल्लाह की अजमत हमारे जहनों में है। इस अजमत के साथ हमें जो अल्लाह से मोहब्बत है वो पायदार मोहब्बत है, कभी हट नहीं सकती है मोहब्बत, क्योंकि ये रिस्पेक्ट के साथ लॉ है। औलाद को माँ बाप से मोहब्बत है,
अगर माँ बाप की रिस्पेक्ट औलाद के जहनों में है तो औलाद को हकीकी माने में माँ बाप से मोहब्बत है, और अगर माँ बाप की रिस्पेक्ट ही औलाद के जहन में नहीं है तो फिर लॉ और मोहब्बत जुबानी जमा खर्च है। आज मोहब्बत मोहब्बत करेगा, कल उठेगा माँ और बाप पर डंडा बजाएगा। लेकिन अगर माँ बाप का एहतराम दिल में है तो फिर औलाद को जो माँ बाप से मोहब्बत है वो पायदार है, वो मोहब्बत हमेशा रहेगी। शागिर्दों को उस्ताद से मोहब्बत है, पहले रिस्पेक्ट है, उस्ताद का एहतराम दिल में है, फिर उसके साथ मोहब्बत है। मुरीद को पीर से मोहब्बत है तो रिस्पेक्ट पहले है, मोहब्बत बाद में। मेरी बहनों, इसी तरीके पर अगर मियां बीवी में लॉ है तो लॉ रिस्पेक्ट के बाद अगर लॉ है तो वो पायदार मोहब्बत है, और अगर रिस्पेक्ट का कोई पहलू वहां नहीं है तो फिर वो लॉ सिर्फ जुबानी जमा खर्च है। वो लॉ है LAW, वो एक कानूनी बात है, हकीकत में दिलों में उतरने वाली मोहब्बत है ही नहीं। लिहाजा इस मजमून को समझना चाहिए। ये दुनिया मोहब्बत 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 करती करती पागल हो रही है, और खाक भी मोहब्बत नहीं है, जुबानी जमा खर्च है। 5 मिनट में पासा यूं तो 5 मिनट में पासा हूं, ये नक्शा क्यों है? वो नक्शा इसलिए है कि इनकी लव मोहब्बत रिस्पेक्ट के ताबे नहीं। बस सबसे पहला हक शोहर का बीवी के जिम्मे ये है कि वो बीवी का रिस्पेक्ट करे, एहतराम करे, ताजीम करे। अल्लाह पाक ने इसी आयत करीमा में आगे ये फरमाया है, फस्सालिहातु क़ानितातुन, बस नेक बीवियां वो हैं जो शोहरों की इताअत करने वाली। इताअत रिस्पेक्ट के बाद होती है, अगर रिस्पेक्ट नहीं है इताअत नहीं होगी। जैसे लॉ वो पायदार है जो रिस्पेक्ट के बाद हो, ऐसे इताअत उसी वक्त हो सकती है जब एहतराम शौहर का दिल में हो। तो अल्लाह ने फरमाया कि नेक बीवियां, ये नेक बीवियां तो मैंने बतलाया कि जो अल्लाह के अहकाम की इताअत करती है, किसी और का कोई हुक्म अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ कबूल नहीं करती, ये नेक बीवियां हैं। ये नेक बीवियां कौन सी हैं? फरमाया कानेतातुन, जो शोहरों की ताबेदारी करने वाली। और शोहरों की ताबेदारी कब होगी? जबकि वो शोहरों का एहतराम करेंगी, रिस्पेक्ट करेंगी। कितना रिस्पेक्ट? एक हदीस शरीफ है, सहाबे किराम ने एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम शाम इराक जाते हैं तो वहां की पब्लिक अपने बादशाहों को सजदा करती है। वो बादशाह दुनिया के बड़ाई रखते हैं, और आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आप तो अल्लाह के हबीब हैं, तमाम रसूलों के सरदार हैं, तमाम इंसानों के आका हैं, आप इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि जब आप घर में से निकलकर मस्जिद में हमारी मजलिस में हमारे दरमियान में तशरीफ फरमाओ तो हम सब आपको सजदा करें। ये हमारा जी चाहता है। वो 4 पैसे का सरदार, उसको पूरे मुल्क की पब्लिक सजदा करती है। आपका मकाम तो आसमानों से बुलंद है, हमारा जी ये चाहता है कि जब आप घर में से तशरीफ लाया करें तो हम आपको सजदा किया करें। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अल्लाह के सिवा किसी के लिए सजदा जायज ही नहीं। न उस्ताद को सजदा कर सकते हैं, न पीर को सजदा कर सकते हैं, न कब्र को सजदा कर सकते हैं, न स्थान को सजदा कर सकते हैं, न शोहर को सजदा कर सकते हैं, न बाप को सजदा कर सकते हैं, न बादशाह को सजदा कर सकते हैं।